Good afternoon, children. I will teach subject English, standard third. आज हम लोग इंग्लिश के चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर फोर मिस्टर रैबिट प्ले ए प्रैंक. प्ले ए प्रैंक मतलब मिस्टर रैबिट और मजा मस्ती करेगा, प्रैंक करेगा. तो उसका हम लोग इसके स्टोरी पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Who was the biggest creature on the land? Land का biggest creature कौन सा है? तो जमीन पे हमारे पृथ्वी पे है, तो सबसे बड़ा creature कौन सा है? एनिमल, एलिफेंट. हम लोग पहले भी सीनियर के जी जूनियर के जी में पढ़ते हैं जो लैंड एनिमल्स कौन सा है, बिगेस्ट लैंड एनिमल्स तो एलिफेंट. तो इसमें एलिफेंट आंसर आ जाएगा. एलिफेंट इज द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन द लैंड. नेक्स्ट, Who was the biggest creature in the sea? Sea मतलब समुद्र का biggest creature कौन सा है? तो समुद्र का biggest creature whale. Whale is the biggest creature in the sea. Where did Mr. Rabbit hide his drum? Mr. Rabbit ने drum को कहाँ पर छुपाया था? तो Mr. Rabbit hide his drum in the bushes का झाड़ियों के पास छुपा दिया था ड्रम को. व्हाट वाज मिस्टर एलिफेंट ईटिंग? मिस्टर एलिफेंट क्या खा रहा था? तो मिस्टर एलिफेंट ईटिंग सम जूसी लीव्स. जूसी लीव्स हरे हरे कोमल कोमल पत्ते खा रहे थे. हु वाज एंग्री? गुस्सा कौन था? मिस्टर एलिफेंट वाज एंग्री. मिस्टर एलिफेंट एंग्री था. नेक्स्ट, व्हेन शुड मिस्टर व्हेल पुल द रोप? मिस्टर व्हेल रोप को कब खींचा था? तो मिस्टर व्हेल शुड पुल द रोप व्हेन ही हियर्ड द साउंड ऑफ ड्रम. जब ड्रम का साउंड हुआ था तब मिस्टर व्हेल ने रस्सी को खींचा था. डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ कॉक? मिस्टर रैबिट के पास क्या सच में कॉक था? तो हम लोग पढ़े थे ना उसमें कॉक को झूठ झूठ बोल करके प्रैंक किया था. तो नो, मिस्टर रैबिट हैड नॉट रियली कॉक. उसके पास सचमुच का कॉक नहीं था. टू होम डिड मिस्टर रैबिट गो फर्स्ट? मिस्टर रैबिट सबसे पहले किसके पास गया था? तो मिस्टर रैबिट वेंट टू मिस्टर व्हेल के पास गया था. तो ये क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में भी लिखेंगे और लर्न करेंगे.